प्रकाश प्रधान 2019 मसिया ओपीएससी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एग्जामिनेशन रे आई हैव सिक्योर्ड रैंक 41 तो प्रथमे जेबे यारो नोटिफिकेशन आसीथिला ओपीएससी एसर तो मु सेतेबेले मोर पोस्ट ग्रेजुएशन चालू थाए कंप्लीट भी हेइ न थाए तो आई वाज कंप्लीटली अनअवेयर ऑफ द सिचुएशन मु जानि भी नथिली कि केमती कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पे प्रिपेयर करा जाए मोर कोनो अभिज्ञता भी नथिला तो जेहेतु राज्य सचिवालय रे एग्जाम ए जो पोस्टटा गोटे गुड जॉब बोली मु समस्त थर शुणिली तो एक पोस्ट पाई मोर मैटरनल ग्रैंड फादर जे मो अजा से भी निजे सचिवालय रे कार्यरत थिले तो रिटायर होते बहुत आगर तो मुझे देखिकी जानी कि सेक्रेटरीट वर्क कल्चर विषय में मैंने आई हाव ए फ्रेंट आइडिया अबाउट दैट तो मुझे छोट बल जॉब विषय जॉब प्रोफाइल विषय में पूरा न जानले भी कि जानी जोटा कि मत गोटे इंटरेस्ट जगूला ए तो मुझे डिसाइड कली कि मुझे एग्जाम बसवि तो जेहेतु यार सिलेबस कम्प्लीटली न्यू था जमती कि या पूर्व थर जो होता एसर एग्जाम और 2019 जो है तर सिलेबस कम्प्लीट डिफरेंट थिला तो से कि क्या भी जना भी नाला केमती हम एग्जाम तो बहुत सारा डर भी थाए तो मुझे जेहतु गोटे न्यू कमर थी मुझे जो गली जहाँ को पचारि तो समस्ते कहले कि कहले कि सहजे नुह एग्जाम जेहतु बहुत सारा अच्छा एस्पिरेंट अराउंड 2 लाख्स आउपर सिलेबस कम्प्लीटली डिफरेन्ट अच्छी तो मुझे प्रथम डरीगली तो बहुत सारा नेगेटिविटी थी अराउंड तो मुझे समय जेहतु वाणिज्य आगुरी एसएससी सीजीएल नहीं आगुरी प्रिपेरेसन करी तो जदि मुझे एग्जाम दे नी तो मुझे डिसाइड कली कि एग्जाम बसवि तो मुझे बेस्ट ट्राए कली कि सिलेबस को कमी स्किप करके रही जदि मत बहुत सारा कथ शुणा को मिलता कि मोर बेस्ट ट्राए करी कि सिलेबस जीक अच्छे मुझे से फास्ट कभर कै जदि मुझे बहुत सारा रेफरेन्स बुक फलो करी आंतु मुझ प्राक्ट गुड़ाए बुक फलो करी जमी बाणिक्र मेटेरियल्स भी मतलब बहुत हेल्प कर समय प्राक्ट करने तो फाइनाली मोर रिटिन एग्जाम क्लीयर होगा रिटिन क्लीयर होगा मोर गोटे कन्फिडेन्स आसला तो तापर मुझे स्किल टेस्ट वाणिज्य एडमिशन नहीं जेहेतु मुझे कम्प्लीटली गोटे नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड रु आसी सिंपल बीएससी पर एमएससी तो मोर कंप्यूटर रिलेटेड नॉलेज बहुत कम थिला तो से समय वाणिज्य जो टीचर्स और मेंटर्स अच्छा बहुत हेल्प कर मात्र 10 रु 15 दिन भितर मैंने पूरा रेडी बसापी स्किल टेस्ट एग्जामिनेशन में तो फाइनली रिजल्ट आसला मुझे बहुत भल करी बहुत भल रैंक आसला जब जॉब पाइली फास्ट फोन करके मो घर को जान ली जेहतु यहाँ मोर प्रथम जॉब था पूर्व मोर कौन भी जॉब ना तो घर बहुत ही खुशी होते जदि मुझे एक्सपेक्ट करी कि आहरी भल रैंक आसो बोली बट एनी हाउ जमी आसला मुझे बहुत खुशी अच्छी एग्जामिनेशन जो जहाँ भी सक्सेस है ये मोर फास्ट एग्जाम थी मुझे आगुरी कौन सी एग्जाम दे नी आ ओबियसली भगवान मो बापा माँ मो भाई समस्त सपोर्ट या पचर रही आसे प्रिपेरेसन करी तो बहुत सारा जेहेतु प्रिपेरेसन टा गोटे लंग प्रोसेस या भितर बहुत सारा टाइम आसे जिते बड़े फ्रस्ट्रेसन आसे नेगेटिविटी आसे से समय मो फैमिली मत बहुत सपोर्ट कर मो भाई स्पेशली जी मो सांग रोला मत सब से इन्स्पायर कर तू भलसे प्रिपेयर कर तू ही पाइबू आते बहुत सारा नेगेटिविटी था कि 2 लक्ष 2.5 लक्ष पिला एग्जाम दौंती तो भितर एत सारा एत कम पोस्ट पाइबाटा तो सहज नुह थैंक्स टू ऑलमाइटी ये सब हो गला मत बहुत खुशी लगुच कि मुझे एत भल रैंक आनीपरि एग्जाम जो मैंने भी न्यू कमर आसने एग्जाम दौंस गोटे कथा कह कि कौ भी इनट्यूशन जातु कि कौन करूँ किंतु सिलेबसटा को स्ट्रिक्टली फॉलो करंतु ना कि कहार कथार पढ़ की भासी जाए कि को भी बुक को भी ये फॉलो करंतु ना कंप्लीटली जेतिकी प्रिसाइजली सिलेबस दउची ओपीएससी आपण ताको सेतिकी ही फॉलो करंतु आ गोटे कथा जोटा कि मु निजे पढ़ला बेले फेस करची गोटे हर्डल जमती कि जनरल स्टडी रो तो बहुत सारा पेपर रहउची जाय ता भितर हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स बहुत सारा रहउची किंतु एसो जो जनरल स्टडी एसो पेपर मिसी कि 100 मार्क्स वेर एज इंग्लीश ओडिया इंडिविजुअली 100 मार्क्स जोटा कि मुझे पढ़ला बेले फॉलो करी पिला माने बहुत परिश्रम करके जीएस रे बहुत सारा परिश्रम करके जीएस रे 60 to 70 आणती वेर एज इंग्लीश ओडिया कमे दियंती बट इंग्लीश ओडिया इज द की फैक्टर फर क्लीयरिंग सेक्रेटेरिएट एसो व्हाट आई फील पर्सनाली मे बी एटा भी मते गोटे फ्यूचर पर गोटे इन्स्पिरेसन भी फर्दर कौन सी बेटर अपर्चुनिटी मत एटा इन्स्पायर कर आते घंटा पढ़ापढ़ी कह गए मोर से किसी फिक्स नाला जेहेतु मुझे
ପଢ଼ୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରୁଥିଲି ତ କୌଣସି ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ନଥିଲା କାରଣ ମୁଁ କଲେଜ ଯାଏ କଲେଜରୁ ଆସିକି ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରେ ଲ୍ୟାବ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭିତରେ ହାରାହାରି ମୁଁ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରୁଥିଲି 5 ଘଣ୍ଟା ତ ମୋତେ ଟିକିଏ ଆର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପଢ଼ିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ତୁଳନାରେ ତ କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ର ଯେତେବେଳେ ପାଖେଇ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଧିକ ସମୟ ପଢ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ହାରାହାରି ପଢ଼ାପଢ଼ି ସେପରି 5ରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ଥିଲା ଆଉ ତ ମୁଁ ସେଇ ନ୍ୟୁ କମର୍ମାନଙ୍କୁ ସେୟା ବି କହିବି କି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଆଣ୍ଡ ଇଂଲିଶ ଉପରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଫୋକସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ମାର୍କ ବଢ଼େଇବ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ରାଙ୍କ ଆଚିଭ୍ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ